मैं यहाँ पे आपको सिखाने आया हूँ कि पेपर वर्म कैसे बनाते हैं। मेथड, यू नीड अ पेपर, देन फोल्ड इट अप, इसे अच्छे से फोल्ड करें। ये ऐसे नहीं जाना चाहिए। फिर प्रेस करें, फिर जब ये हो जाए इसे काट लें। जब ये कट जाएगा तो ये थोड़ा ऐसे लगेगा, इसमें एक लाइन भी जा रही होगी, तो इसके एकदम अपोजिट साइड एक और लाइन बनाएंगे ऐसे। दोबारा प्रेस करेंगे, उसे खोल लेंगे। जब ये हो जाएगा तब ऐसा कुछ क्रॉस आएगा, तब उसको ऐसे टेढ़ा करेंगे, फिर इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे, उसे प्रेस करेंगे। फिर जब ये हो जाएगा तभी यहाँ पे एकदम उल्टी एक ऐसे एक और लाइन आ जाएगी, तब इसके बीच में प्रेस करेंगे, ऊपर ऐसे उठने लग जाएगा, तब इसे पकड़ के साथ मिलाना है, फिर से ऐसे दबा दिए, फिर ये कुछ ऐसा लगेगा। जब ये हो जाए तो इसका एक ऐसे पकड़ के से दबा दे, फिर दूसरा कोना पकड़े और दबा दे, फिर उल्टी साइड से भी ऐसा करें। जब ये हो जाएगा तो उसके यहाँ पे कुछ नहीं होगा और ये डायमंड शेप में आ जाएगा। फिर इसके यहाँ पे कुछ ऐसा सा होगा, इसे दबाएंगे और यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे, फिर दूसरी साइड से भी ऐसा करना है, यहाँ से भी, ये ऐसे हो गया। जब ये हो जाएगा तो ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा, फिर आपको एक एक्स्ट्रा पार्ट ऐसे दिखाई देगा, इसे ट्रायंगल शेप में यहाँ पे लाना है और दबाना है, दूसरी साइड से भी ऐसा करना है, इसे दबाएंगे, फिर दूसरी साइड पे भी आप एक्स्ट्रा पेपर देखेगा, तब उसे ऐसे दबाएंगे और दूसरी साइड पे भी, और जब इसे चिपकाना होगा तब आप इसे फेविकॉल या टेप से चिपका सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे टेप से चिपकाने जा रहा हूँ। टेप लेंगे और इसे ऐसे करके बीच में एकदम दबा देंगे, फिर दूसरी टेप लेंगे, फिर एकदम बीच में रख के दबा देंगे, जब तक ये स्ट्रांग नहीं हो जाता तब तक इसे टेप लगाते रहेंगे, फिर दूसरी साइड पे भी टेप लगाएंगे ऐसे। टेप लगाते रहेंगे तब तक ये अच्छे से ना हो जाए। इसके एकदम बीच में लगाएंगे और ये बन गया। ये देखिए, यहाँ पे आपको छेद मिलेगा और यहाँ पे नहीं मिलेगा। जहाँ पे छेद मिलेगा उसे मुंह में लेंगे और ब्लो करेंगे इसके अंदर। ये देखिए बॉक्स, मेरे पास एक और बना हुआ है, इनसे आप ऐसे भी खेल सकते हैं, ये ऐसे घूमते भी रहेंगे, थैंक यू, बाय।